क्षेत्र के दो होटल पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एक बड़े देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। साथ ही गिरोह न केवल देह व्यापार बल्कि नौशहर और आसपास के जिलों में गिरोह की लड़कियों की शादी कराकर 4 से 5 दिन में वहां लूट की वारदात को अंजाम दिलवाकर लड़कियों को वापस बुलवा लेते थे और फिर अन्य जगह पर शादी करवाकर इसी तरह की वारदात को अंजाम दिलवा रहे थे। इसी मामले में पुलिस ने चंदननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला जाँच में लिया है। दरअसल राजेंद्र नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के दो होटल पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने अलग अलग होटल पर दबिश देकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 पुरुष और 5 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ संदिग्ध हालत में भी मिले हैं। वहीं होटल की तलाशी लेने पर होटल में कई आपत्तिजनक वस्तुएं पुलिस को बरामद हुई हैं। देह व्यापार के साथ साथ शादी के फ्रॉड करने के लिए दलालों के साथ मिलकर यह गिरोह व्हाट्सएप के माध्यम से लड़कियों के फोटो मंगवाता था और फिर व्हाट्सएप पर डील तय करते थे। पुलिस अब इस मामले में फर्जी शादी और देह व्यापार के मामले में जांच कर रही है। पुलिस को मौके से 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पकड़ी गई युवतियों बतौर लुटेरी दुल्हन इस गिरोह के साथ काम करती थी। नामे करी थी जिसमें 2 होटल्स हैं, एक पर्ल है, एक देवशी करके 2 नाम आए इसमें। इनमें सक्सेकेट का पता चला था जिसमें कमल और कुलदीप नामक 2 जो है इसके पूरे सरगना है मुख्य रूप से, और ये इन होटल्स में भी और अदर देन इसके भी सेक्स वर्कर काम करा रहे थे लड़कियों को इसमें लाकर, और ये इस टाइप से देह व्यापार करा रहे थे। इसमें कुल 12 गिरफ्तारियां हुई हैं, 5 महिलाएं हैं और 7 पुरुष इसमें गिरफ्तार हुए हैं, और आज इनकी गिरफ्तारी करके पीटा एक्ट में और अन्य धाराओं को गिरफ्तार में लगाकर इनको 4 लोगों का आज PR पुलिस के द्वारा लिया गया है। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ये पता चली है कि ये लोग इनके जो मोबाइल फोन्स और अन्य जो जानकारी पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला पूछताछ पर कि इनके द्वारा कुछ लड़कियों की शादी भी कराई जाती है, और जहाँ गाँव कस्बों में जहाँ पर शादी के लिए लड़कियाँ नहीं मिलती हैं वहाँ 1.5 लाख रुपये लेके ये लड़कियां अवेलेबल कराते हैं और उनकी शादी करा देते हैं। कई बार शादियां कंटिन्यू कर जाती हैं और कई बार उसमें कटिंग बोलते हैं ये लोग, तो उस लड़की को वापस भगा लाते हैं। तो इसमें अभी कुछ एक तो चंदननगर थाने का ही 363 इसमें ट्रेस हुआ है, जिसमें नाबालिग बच्ची को इन लोगों के द्वारा शादी कर दी गई थी, जो कि एक अपराध पंजीबद्ध है। तो उसमें भी इसमें दस्तावेज भी की जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा अन्य कुछ 10-12 लड़कियों के नाम पते इसमें पता चले हैं, जिनमें पुलिस गोपनीय तरीके से पता कर रही है और उनके स्टेटस जान रही है, और एवं उसके बाद हम लोग उनके स्टेटमेंट लेके उनकी विलिंग और उनकी स्थिति जानेंगे कि क्या वो चाह रहे हैं, उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, होटल के जो मैनेजर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसमें जो होटल के मालिक हैं उनके इन्वॉल्वमेंट की इन्वेस्टिगेशन करके उनको विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये लड़कियां आसपास के क्षेत्र की हैं, कुछ इंदौर की हैं, और ये मुख्य रूप से जो जिनके पेरेंट्स या तो अवेलेबल नहीं हैं या जो तलाकशुदा हैं, इस प्रकार की महिलाओं को बच्चियों को टारगेट करते हैं और उनको अपना शिकार बनाते हैं। शादी में सर किस तरह 2 लोग को टारगेट करते थे क्या? ये जैसा कि मैंने बताया कि इनके जो हम लोगों ने जब इनका इन्वेस्टिगेट किया, इनसे पूछताछ करी और इनके मोबाइल वगैरह देखा गया, तो उसमें ये पता चला कि ये लोग जनरली गाँव के क्षेत्रों में इनके लोग हैं, और वो वहाँ लोगों जो भी लोग संपर्क करते हैं जिनके जिनके लिए शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है या उनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये लोग इनके पास जो रैकेट में गैंग में जो लड़कियाँ उनकी फ़ोटो वगैरह अवेलेबल करा देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया 2 प्रकार से शादियाँ कराते हैं, एक तो जो कंटिन्यू करती है और एक वो जो कटिंग वाला जिसमें बोलते हैं, तो उसमें ये लोग 1.5 लाख रुपये उनसे ले लेते हैं और लड़की 2-4 दिन में वापस आ जाती है। तो इस प्रकार की इनकी पता चली है। इसमें कई सारे ऐसे मामले अभी सामने आने की संभावना है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं।